पानी कितना तक ढालना मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी साथ ऑनियन के साथ बॉईल करूँगा। ये देखिए, सेपरेट भी कर सकता है। देखिए काजू मगज मैं, ये देखिए इसी तरह से हमने इसे ऐड कर दिए। ये देखिए इसी तरह से आपको ग्रेवी को है ना पकाना है। ये देखिए किस तरह से मैंने ग्रेवी को पका रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बना के दिखाएंगे ये लो ग्रेवी। ये लो ग्रेवी बनाने के लिए देखिए मैंने एक बाउल में लिया है काजू, इसकी जो क्वांटिटी है वो 1.5 kg। एक साइड में लिया है देखिए मगज, इसकी क्वांटिटी जो है 1.5 kg। मैं पहले से भिगा के रखा वॉश करके। आपको क्या करना, काजू मगज बॉईल करने से पहले इसको भिगा के रखना, इससे क्या होगा वो बहुत ही सॉफ्टनेस होगी। और एक हंडी में लिया है देखिए, पतीला में लिया है ऑनियन। ऑनियन को मैं, एक ऑनियन को 4 पीस किया है। मेरी क्वांटिटी जो है वो 30 kg है। अगर आप चाहिए तो इसको हल्का हल्का पतला स्लाइस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जूलियन काट। तो चलिए अब इसको बॉईल करने के लिए बैठाते हैं। ये देखिए पानी कितना तक ढालना मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनियन को बॉईल करने के लिए। आप जो पानी की क्वांटिटी है ऑनियन की सेम लेवल में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। फिर क्या होगा, आप पीसने के लिए ना बहुत पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो अब इस लेवल में रखना। उसके बाद मैं यहाँ पर काजू मगज ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे काजू मगज जो है वो सेपरेट अलग से बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी साथ ऑनियन के साथ बॉईल करूँगा। ये देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा, एक साथ में बॉईल करने से गैस की तरह बचत हो जाता है। अगर आप चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। देखिए काजू मगज मैं यहाँ पर मैंने ऐड करेंगे 100 ग्राम सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से, नमक ऐड करने से क्या है, ये जो बहुत ही जल्दी गल जाएगा और इसकी जो टेस्ट वो दोनों रहेगा। तो दोनों काम करेगा, एक टेस्ट का और एक सॉफ्टनेस आने के लिए। तो अभी इसे बॉईल करने बैठाया, लगभग बीच बीच में इसको चलाते रहना, लगभग 1.5 घंटा लगेगा इसको बॉईल होने के लिए। ये देखिए ऑनियन जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। ये देखिए इसी तरह से आपको बॉईल करने चाहिए, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉईल हो चुका है ऑनियन काजू मगज। हाँ, इसको आप, मेरी जो क्वांटिटी है ना ये बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं ये ग्रेवी मशीन में पेस्ट करेंगे। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहेंगे तो आप, आपके पास जो जार है उसमें भी आप फाइन पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये ऑनियन को मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसे ठंडा करने के बाद जब पेस्ट बनाएंगे ना तो इससे फ़ायदा क्या है, बहुत ही स्मूथ बनेगा और आपकी तरफ छिटक भी नहीं आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट बनेगा। तो अभी लगभग ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद मशीन में पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने ग्रेवी मशीन में पेस्ट कर रहा है, इसी तरह से आपको पेस्ट कर लीजिए। ग्रेवी को तड़का लगाने के लिए देखिए हमने यूज़ करा ऑयल। ऑयल जो है इसकी क्वांटिटी है 1 लीटर। ऑयल को जो है ना थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और ऑयल गर्म होने का बाद ये देखिए मैंने एक प्लेट में सजा के लिया है खड़ा मसाला, जावित्री, लौंग, स्टार फ्लोर, ब्लैक इलायची, ग्रीन इलायची, तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम, ग्रीन इलायची 50 ग्राम, जावित्री 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, 30 ग्राम, ये 30 ग्राम, और ये है तेज पत्ता 15 पीस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑयल में गरम, ऑयल गरम होने का बाद यहाँ पर ऐड कर दिए। इस खड़ा मसाले को हल्का हल्का सा भूनना है। देखिए जस्ट इसे थोड़ा टाइम भूनते रहिए। इसे भूनने से क्या, इसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा। हल्का हल्का इसको चलाते रहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 300 ग्राम गार्लिक और 200 ग्राम जिंजर, इसको मिक्स करके हमने पेस्ट किया है। देखिए इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया हार्ड है, उसकी जो फ्लेवर। तो आपको अच्छी तरह से भूनना है जिंजर गार्लिक पेस्ट को। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और उसके बाद अभी इसमें क्या करना है,
टोमेटो पेस्ट, ये जो टोमेटो लिया है कच्चा टोमेटो है, ये इसकी जो क्वांटिटी है ये 1 kg है, ये ऐड कर देना है यहाँ पे। ऑनियन जो है वो हमने ओनली ऑनियन बॉईल किया है। ऑनियन क्या होता है, थोड़ा कड़वापन, अगर ओनली ऑनियन ऐड करेंगे तो ग्रेवी जो है थोड़ा कड़वा हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टोमेटो को जो है वो पेस्ट करके ऐड किया। कच्चा टोमेटो है, इसे अच्छे तरह से भूनना है, नहीं तो आपको खट्टापना आएगा ग्रेवी में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छी तरह से जो टमाटर है उसे भी अच्छी तरह से भूनते रहना। तो देखिए अभी क्या करेंगे, हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है टमाटर को, और जब अच्छी तरह से भून जाए साइड साइड में इसकी जो तेल है ना वो छोड़ने लग जाएगा। और अभी इसको थोड़ा सा धीमी आँच में रखना है। और ये साइड में देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हमने क्या करेंगे, ये मेरी मसाला का ट्रे है, ये मसाला ट्रे है, इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम रेड चिली पाउडर, ये स्पाइसी बनाने के लिए, 150 ग्राम नमक, 100 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, 100 ग्राम किचन किंग, 100 ग्राम गरम मसाला, और यहाँ पे 50 ग्राम मैंने ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। इसकी क्वांटिटी जो है मैंने बहुत ही कम रखा, क्योंकि ये रोस्टेड है, ज़्यादा डालेगा तो कड़वा आएगा। और इसमें मैंने बिल्कुल कश्मीरी चिली पाउडर ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐड करने से क्या उसकी कलर बहुत लाल है तो लाल बना देगा, हमको बनाना है क्या है येलो ग्रेवी। और इसमें मैं पानी ऐड कर देंगे। देखिए पानी ऐड करने से इसमें एक ग्रेवी में फ़ायदा है, जो आपको जो मसाला है ये मसाला बिल्कुल जलेगा नहीं, और इसमें जो ग्रेवी बनेगा वो बहुत ही बढ़िया तरह से बनेगा। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट इस मसाला ट्रे मेरी बाजू में ही है साइड में, मैं एकदम लैडल में ढाल सकता डायरेक्ट, लेकिन मैंने नहीं ढाला, इसे पानी में अच्छी तरह से मिला लेना। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ बनेगा और बिल्कुल कड़वापना नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक बाउल में मिला लेना आपकी क्वांटिटी हिसाब से। और अभी क्या करेंगे, मिला लेने के बाद हम इस यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से आप ऐड कर दीजिए, और फिर इस मसाला को थोड़ा आँच जो है थोड़ा धीमी रखिए, और इस मसाला को अच्छी तरह से इसको पकाना है। इसी तरह से अभी इसको चलाते रहिए। देखिए मसाला जो है ना वो बहुत ही बढ़िया तरह से भून चुका है, और अभी हमने क्या करेंगे, जो ग्रेवी पिसा हुआ ग्रेवी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए इसी तरह से हमने इसे ऐड कर दीजिए। और भी एक पैन है, और देखिए हमने इतना ऐड कर लिया है, और अभी जो है गैस की आंच जो है वो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, और इस मसाला को साथ देखिए इसी तरह से आप इसे मिलाते जाइए, तरह से आपको मिक्स करते जाइए। कितनी बढ़िया सा कलर आ रहा है देखिए अभी से। अभी ये जो ग्रेवी है ना ये इसको पकाया भी नहीं, जस्ट हमने इसको मिला रहा है, इसकी कलर देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसके लुक देखिए, हमने जो पिसा है ना वो देखिए कितना स्मूथ बना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहा है तो जार में भी पेस्ट कर सकता है। इसी तरह से हमने अभी इस ग्रेवी को थोड़ा टाइम कंटिन्यू इसको मिलाते रहेंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिला लिया मसाला का साथ, और इसे कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया। अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप अपना हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना। अभी ये पानी से ना मिला के मिला देना इससे अच्छी तरह से, और इसे पकाते रहना धीरे धीरे, बीच बीच में क्या है आपको चलाते रहना। इसी तरह से देखिए मैं जिस तरह से चला रहा हूँ ग्रेवी को, इसी तरह से आपको चलाते रहना। इससे क्या है ना ग्रेवी जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लाता है इसकी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया पकता है। तो आप कंटिन्यू इसे बीच बीच में चलाते रहना और पकाते रहना इस ग्रेवी को। ये देखिए इसी तरह से आपको ग्रेवी को है ना पकाना है। ये देखिए किस तरह से मैंने ग्रेवी को पका रहा हूँ, इसी तरह से आपको पकाना है। लेकिन मैंने इस ग्रेवी को टेस्ट किया है, इसमें नमक कम है, तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया, और एक चीज़ आपको ऐड करना है वो है बटर। अगर आपके पास बटर है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर दीजिए,
मैंने ये 500 ग्राम बटर लिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए इसकी जो ग्रेवी जो है ना वो लाजवाब बनेगा और बिल्कुल खट्टापना नहीं आएगा। इसको जो मेन पॉइंट जो है ग्रेवी का वो अच्छी तरह से इसको पकाना है, ज़बरदस्त तरीके से पका रही है। और इसमें नमक मिर्ची टेस्ट कर लीजिए, कोई कम है तो ऐड करते जाइए और धीरे धीरे तरीके से ग्रेवी को पकाते जाइए। इसी तरह से कंटिन्यू इसे चलाते रहिए, थोड़ा टाइम लगता है ग्रेवी को रेडी करने के लिए। ये देखिए ग्रेवी जो है ना वो साइड साइड में बिल्कुल तेल छोड़ दिया, मतलब रोगन छोड़ दिया है, और ये बहुत ही बढ़िया तरह से हमारी जो ग्रेवी है येलो ग्रेवी वो रेडी हो चुका है। आपको मैं इसकी जो क्वालिटी है कलर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सा बना है हमारा ग्रेवी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ग्रेवी। आप इस ग्रेवी से वेज नॉन वेज आसानी से डिश बना सकता है और इसे आसानी से ठंडा करके स्टोर भी कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। आप चैनल में नया हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अभी हम इसी गैस की जो भड़न है वो बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने का बाद हमने इसे स्टोर करेंगे। देखिए कितनी लाजवाब बना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी को।